वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सर और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्राइम मिनिस्टर को, मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री को कैसे लेटर लिख सकते हो। और दोस्तों, आप उनको सुझाव भी दे सकते हो और आपका कोई कंप्लेंट है तो आप कंप्लेंट भी उनको लेटर में लिख के भेज सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और हम ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर लाते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र अपने फ़ोन में ओपन करिए दोस्तों, और वहाँ पर आपको एक वेबसाइट का URL डालना है, PM India। ठीक है, PM India.government.in। इस वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं हिंदी कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने हिंदी में इस वेबसाइट को ट्रांसलेट कर दिया, तो ये हिंदी में हो चुके हैं अभी। और दोस्तों, आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें और अपने विचार, सुझाव, राय साझा करें। और दूसरा वाला ऑप्शन पे यहाँ पे दोस्तों पेन का ऑप्शन पे लिखा है प्रधानमंत्री को लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनको सुझाव दे सकते हैं और यहाँ पे आप प्रधानमंत्री को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप मेल फीमेल हो तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे आपको पता भरना पड़ेगा दोस्तों। जहाँ पे आपको ये वाला इस तरीके का स्टार दिख रहा है, ये आपको भरना पड़ेगा अनिवार्य। ये आप छोड़ नहीं सकते हो, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसको आपको भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपका स्टेट, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे दोस्तों आपकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी आप किस कैटेगरी में उनको लेटर लिखना चाहते हो, लोक शिकायत, सुझाव, प्रतिक्रिया या धोखाधड़ी, घोटाले। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दी है, आप जो कैटेगरी में लिखना चाहते हो उस कैटेगरी में लिखिए। यहाँ पे आपको 4000 वर्ड में आप लिख सकते हैं उनको लेटर। तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको लेटर टाइप करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे आपको 4000 वर्ड में आपकी जो शिकायत है, सुझाव है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर आप कोई PDF फाइल उनको भेजना चाहते हो तो यहाँ पे एस करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, एस करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे अपलोड का देखिए, यहाँ पे चूज फाइल आ जाएगा, चूज फाइल का सिंबल आ चुका है। यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी और यहाँ पे देख के आपको अटैच कर लेनी होगी। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, मेरे को नहीं करनी है। तो उसके बाद दोस्तों, कुछ यहाँ से कैचपा दिया जाएगा, आपको अलग अलग कैचपा मिलता है। जैसे कि मेरे को एक कोड मिला 199, यहाँ पे आपको इस रेड वाले बॉक्स में इसको फिल करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों, आपको एक रेफरल नंबर दिया जाएगा, PMO India आपको SMS आ जाएगा। उसके बाद उस रेफरल नंबर दिया जाएगा, उस रेफरल नंबर आप उस रेफरल नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि प्रधानमंत्री ने चिट्ठी पढ़ी है। वो तो नहीं पढ़ते, उनके एम्प्लॉय पढ़ते हैं प्रधानमंत्री ऑफिस में, तो उन्होंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, यहाँ से आप उनके स्टेटस चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।